सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का एक और नई ब्लॉग में। मैं आज उठा था 9:30 बजे के करीब और बिस्तर से उठा फिर 10 बजे के करीब, आधा घंटा ऐसे बैठा रहा क्योंकि कल रात को मैं सोया था 4:30 बजे और जो कल की वीडियो थी छोटी दिवाली की वो मैंने अपलोड की कल 4 से 4:30 बजे के बीच में, इसलिए मुझे टाइम लग गया इसलिए भी उठने में। खैर अभी मैं जल्दी से झाड़ू लगाता हूं और फ्रेश वगैरह होता हूं और आज तो बहुत बड़ा दिन है। अच्छा, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे। बेसिकली मेरी अभी पिछली व्लॉग्स अगर आपने नहीं देखी हैं तो मैंने एक हफ्ते का ट्रायल लिया था डेली व्लॉग्स का। मैं बस एक हफ्ते का ट्रायल इसलिए ले रहा था कि मैं जानना चाह रहा था कि ये डेली व्लॉगिंग मेरे लिए है भी कि नहीं, मतलब मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, क्या ठीक रहेगा कि नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार ठीक ही तो है, वैसे भी यूट्यूब पर अनलिमिटेड डेटा स्टोर हो सकता है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। मैं कितनी भी वीडियोज़ कितनी भी फोटेज अपलोड कर दूँ क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। वैसे भी मेरी मेमोरीज तो सेव हो ही रही हैं चाहे व्यूज़ आए ना आए, बट फिर भी मैं कह देना चाहता हूँ अगर आपको व्लॉग पसंद आ रही है या कुछ भी पसंद आ रहा है, कुछ बेकार लग रहा है ना, तो प्लीज़ आई वॉन्ट फीडबैक। आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो कि क्या कमी है मेरी व्लॉग्स में, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या अगर आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है तो फिर मैं डेली व्लॉग्स कंटिन्यू करता हूँ। बेसिकली मुझे यही एडवाइस है आपसे, क्या मुझे डेली व्लॉग्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर शाम को। गेम खेल लिया लड़के, यूट्यूब पे शॉर्ट्स। हाँ जी, ये खुशबू मुझे मीट जैसी क्यों आ रही है बताओ? कल भी मीट, आज भी मीट, क्या चल क्या रहा है? मैंने सुना आज मीट नहीं खाते। नहीं खाते आज तो हम भी नहीं खा रहे मीट। बट मैं खाऊंगा क्या? मैंने खाना नहीं खाया। क्यों? जो मेरे को नहाना है, नहानी है, कपड़े धोने हैं, फिर खाना बनाना है, क्या करूं? कहीं जाना है, पहले जाता हूँ। हो पापा आ गया, पापा। बना तो रहा हूँ, अभी अंदर चढ़ा रखा है मैंने। उत्तरी पापा बोल रहे खाना नहीं बना, मैंने बोला खाना चढ़ा रखा है मैंने, पापा आगे खाना तो नहीं चढ़ाया मैंने। वे इट्स नॉट माइन, पापा कहीं से सिर्फ डब्बा लेकर आए थे इसका, सिर्फ और सिर्फ डब्बा। पापा कर चुके। मैंने सोचा था शाम को दिवाली से कुछ 2-3 घंटे 3-4 घंटे पहले नहा लूंगा तो फ्रेश फील करूंगा, और अभी 4:30 बज चुके हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले जल्दी से नहाने के लिए चले जाऊँ, नहा तो लेता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ। अरे यार, गेट पे कुछ लगाने भी तो था, स्टिकर वगैरह शुभ दीपावली का, वो भी नहीं लगाया मैंने। गेट पे उसको लगाता हूँ पहले। पढ़ते कि बाहर लगाओ अंदर लगा? राइट, इंस्टॉलेशन डन। आ गए नहाकर, वेरी एक्साइटेड फॉर डे, दिवाली सेलिब्रेशन के लिए, दिवाली पूजन के लिए, पता नहीं क्यों बस हूँ बस, और होना भी चाहिए यार, हमारे लिए गर्व की बात है भाई। जय हिंदू, जय श्री राम, जय भगवान। ये कलर, ये ब्लैक में नहीं तेरे पास? ये भी चल, ये चलना भी तो चाहिए ना। बाय द वे आई एम मेकिंग रंगोली, लेट्स सी। सभी को हमारी तरफ से सभी भाइयों को हैप्पी दिवाली, सभी भाइयों को, आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से, आपके सभी परिवार वासियों को, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं और दुआ करते हैं कि आप सभी खुशी से और बहुत मजे से इस त्योहार को मनाएं।
आपको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सब भी अपने परिवार के साथ खूब एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी यहाँ अपनी फैमिली के साथ में, अपने दादाजी और अपने पापा के साथ थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। वैसे मैं पटाखे फोड़ता नहीं हूँ ज्यादा, मतलब ज्यादा क्या फोड़ता नहीं हूँ, काफी साल हो गए मुझे पटाखे ना फोड़े। तो इस साल मैंने सोचा कि थोड़ी फुलझड़ी लेकर आ जाऊँ, तो थोड़ी फुलझड़ियाँ जला रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। हैप्पी दिवाली। Look how the stopper is looking today. Handsome Dadaji. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. यहाँ इस लड़की का मेकअप चल रहा है। ये हमारी सो कॉल्ड बहन जिसका नाम है सोनम दास। अरे बस कर, क्यों पर्दा कर रही है, बाहर भी आ जाओ। अरे सही लग रही है, मेकअप मत कर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर फोटोशूट चल रहा है, टॉप क्वार्टर के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ, कुछ कुछ एब्सेंट है यहाँ पर, और सारे बाकी से तो प्रेजेंट ही है। क्या अरे वो कब से पोज दे रहे हैं, उनकी फोटो खींच देता हूँ यार मैं। स्माइल चीज। अरे सारे लोग मिलकर एक बार हैप्पी दिवाली बोलना, 3-2 में बोलूंगा ठीक है। 3-2-1 हैप्पी दिवाली। मजा आ गया भाई। चलो यार, हो गया बाहर सबका फोटोशूट हो गया, दिवाली सेलिब्रेशन चल रहा है अभी, बहुत मजा आ रहा है। आई एम एंजॉयिंग। हाँ आई एम एंजॉयिंग, शायद पता नहीं, बट ठीक है, बढ़िया है। मतलब मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाला इंसान हूँ, बट अभी मैंने रोटियां बना ली हैं अभी, अब जल्दी से डिनर करते हैं और उसके बाद थोड़ा नाच गाना करते हैं। ओके जी, तो हो गया हमारा डिनर, अब हम चलते हैं जरा बाहर आतिशबाजी देखने। लेट्स गो, लेट्स गो। पटाखे फोड़ते हैं। ये सोनम दास मेरा बहुत देर से वेट कर रही थी कि मैं जल्दी से खाना खा के बाहर आऊं और पटाखे फोड़े, इसकी वीडियो बनाई जाए। ये बहुत देर से इसने चेंज भी नहीं किया, खाने भी नहीं खाया तेरे, खाना नहीं खाया ना, इस चक्कर में कि इसकी वीडियो। हाँ तेरे को आज भूखी क्यों लगेगी, सजे धज के एकदम वीडियो बनाने के लिए, फोटोशूट कराने के लिए। ये देखो इसकी हरकतें, ये देखो यार लड़कियों का ये क्या होता है, ये ड्रामा भाई साहब। भाई क्या मस्त लग रही है सोसाइटी। वैसे आजकल काफ़ी कम लोग अपनी बैल्कनी पर लड़ियाँ लगाते हैं, पहले कुछ साल पहले लॉकडाउन से पहले लोग बहुत ज़्यादा लड़ियाँ लगाते थे, काफ़ी मज़ा आता था, पटाखे भी खूब सारे फूटते थे, लेकिन ये पटाखे कम हो गए। हाँ थोड़ा ग्रीनरी का ध्यान रखना चाहिए। वाओ नाइस। ओ भाई दियो, इसको दियो। ये देखो बहुत देर से हम इस अनार को जलाने के चक्कर में वेट किए जा रहे, सबको बुला रहे भाई, स्टाफ बटर के जितने हैं, एक अकेला इकलौता अनार हमारे पास, वो भी भाई वैभव जो हमारे पड़ोस में बच्चा रहता है, वो अपने फ्रेंड से लेके आया है। तो इस अनार को जलाने के चक्कर में सारे के सारे इकट्ठा हो रहे हैं हम यहाँ पर। ये हो गए, ये भाई हो गए, पहाड़ी भाई और मैं और ये भाई, सब कुछ, सब लोग, सब सब सब। खैर अभी हम सब तो नहीं है, दो बच्चे जो हैं जो इस अनार को लेके आए थे, चलो भाई माचिस लो, वो भी आ रहे हैं। अरे आई नहीं, एक मिनट रुक जाओ, उनका वेट कर लेते हैं यार, इतनी देर से उन बच्चों का वेट कराया हमने कि आ गए ये दोनों। अरे वाह भाई, भाई ये खतरनाक बॉम्ब ले आए, तो इसको नहीं भोड़ना भाई, ये बहुत डरावना है।
अरे यार गाड़ी में कोई दिक्कत ना हो जाए कहीं यार, यहाँ पे गाड़ी में दिक्कत ना हो जाए। भाई बहुत बहसबाजी हो रही है यहाँ पर पटाखे फोड़ने में, क्योंकि किसी के गाड़ी में कुछ नुकसान हो गया तो स्टाफ क्वार्टर वालों की बैंड बच जाएगी। इस चक्कर में ये लोग यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है थोड़ा बहुत कि फोड़ना है कि नहीं फोड़ना। बच्चों के मन में बहुत लाभ है कि यहीं फोड़ेंगे, पिताजी बोल रहे हैं कि नहीं 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 यहाँ पर नहीं फोड़ना। अभी बोल रहे निकलो यहाँ से, पीटी मारो। बता ये बेचारी सुबह से लगी पड़ी है मेकअप करने में, छाड़े छोटे साड़ी वाड़ी लगा के एक एक अनाज लगेगी, अनाज लगेगी, वीडियो बनाएंगे, रील बनाएगी करके, और इसके पिताजी बोल रहे हैं यहाँ पर जलाना, यहाँ पर जलाना, यहाँ जलाना, दी पिताजी गुस्से में है यहाँ पर, और निकल ली यहाँ से। भाई साहब कैसी लग रही है तो सुबह साड़ी में सुनो, कैसी लग रही है सुबह साड़ी में, भूत जैसी। देख 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 ये काम चालाक थोड़ी ना, लाइट जला रही है, बताओ पटाखे फोड़ने के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमारे पास पटाखे का स्टॉक ही था, वो लेके आया अभी यहाँ पर इतना सारा, तो ये हमारे पास स्टॉक पड़ा पटाखे का। शाबाश बाबू शाबाश, बहुत बढ़िया गुड। अब हम फोड़ेंगे यहाँ पर अपने अपने स्टाइल में अपने पटाखे वगैरह। ये कौन सी ये लड़ी, ये बाद में जलाएंगे, पहले तू इसको जला ले नार, ऐस कर दूंगी, सुबह से वेट करने पे लगी थी। हाँ उस तरफ सही आएगी, साफ आएगी वीडियो, हाँ इस तरफ साफ आ रही है, संभल के रहियो, भाग लियो तू। ये जोत नहीं जला रहे वो आत्मा अपने यार, अरे हवा बहुत तेज है। ठीक है कोई पटाखा, ये कोई बॉम्ब है क्या, ये भी कोई, अच्छा चटपट रहे, अच्छा अच्छा। ओ भाई साहब ये कौन सा, ये कौन सा है, भागो भागो भागो, अरे भागो यार बहुत दूर की बात आएगी, कान मेरे कान में। क्या हो गया, खुश फट भी जाते कभी बार ना, यार ठीक हम भी नहीं बन पाए यार। ये कौन सा है, बुलेट, भाग भाग भाग, ओ भाई पुस्सी पुस्सी निकला पुस्सी, वाओ हम बोल रहे भाई हमारे वो 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 मैं अरे पुस्सी यार, जब भी मैं कान बंद करता हूँ तब भी पुस्सी निकलता है, कान खोलती बूम, मत कर आदिति इससे खतरनाक है, बहुत चोट लग जाएगी इसमें, इसको मैं ये वाला बोल रही हूं। हाँ बोलो बोलो, देखो 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 भाई ये है लड़ी छोटी सी, बोल फुल फुल। हमारे गैंग में एक और मेंबर आ चुके हैं जो कि दर्शक हैं, बिल्कुल यहाँ पर टीम में शामिल नहीं है वो, बिल्कुल भी फोड़ने में, संभल के फोड़ियो और भाग लियो तू, हाँ उसको पकड़ के खींच लियो उसको। ओ भाई साहब अरे हाथ से ही होया, मैं भाग डर गया बेचारा, बच्चे डर गए यार, बच्चे को डरा दिया भाई साहब, बच्चे भाई भाग जाओ, अरे भाई भागो सुर सुर जल जाएगी तो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई, ये क्या हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया इधर तो। अंकल भी वहां से दर्शक बनकर पटाखों को जलने का मजा लेते हुए। सो वी आर ऑन द रूफ रूफ टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग, आगे बाजू सट्टे कट्टे में उसके साथ अच्छा।
अब दिखेगा यहाँ से आपको जन्नत जैसा नज़ारा, लगेगा जैसे आप आसमान की ऊंचाइयों पर आ गए हैं तारों के बीच में। वाह भाई वाह वाह वाह, हम पहुंच गए हैं स्पेस में। वो देखो दूर छोटा सा हॉट एयर बलून। ये देखो ये जो सोसाइटी के चारों तरफ जो ये जो लाइट्स लगी हुई है ना पट्टी वाली, ये सब मेरे पापा और मेरे दादाजी लोगों ने, मेरे हैंडसम दादाजी और मेरे बड़े दादाजी लोगों ने लगवा रखी है सारी लाइट्स। कितना अच्छा लग रहा है ना यार, दिल्ली बहुत खूबसूरत लगती है रात को वैसे ही, और ऊपर से अगर बात करी जाए दीपावली की तो तब तो इसकी खूबसूरती में और चार चांद लग जाते हैं। वाह अमेजिंग, वाह वो 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 वाह वाह वाह, वो तो एक ही समझ आते हैं ना। हाँ खूब सारे होते हैं ना। ये हमारी सोसाइटी का सेंट्रल पार्क है, सोसाइटी में तीन या चार पार्क हैं और ये उसका सेंट्रल पार्क है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने फैमिली के साथ मिलकर पटाखे फोड़े हैं। मज़ा आता है आतिशबाजी देखने में, लेकिन आजकल पहले के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है आतिशबाजी, लेकिन फिर भी मज़ा तो आ ही रहा है यार। चलो भाई हम लोग हुआ छत से बस। रुपसारा मोती घुंगुर न बजा, छुआ छुआ वाला गाना है भाई साहब, छुआ छुआ। कमाल कमाल, बड़ी गेटअप गेटअप। I'm not afraid to die.
फिनिश। कैसा लगा डांस करके? बहुत बढ़िया, मजा आया। थकान हो गई कहा? थकान हो गई। गर्मी भी लग रही है सर? गर्मी भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, फैन भी चल रहा है, थकान भी हो गई काफी। खैर नाच गाना बहुत हो गया, अब बज रहे हैं 12:10 और अब मैं लगता हूँ अपनी एडिटिंग पर। उससे पहले जरा ब्रश करके आता हूँ और फिर एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। और मुझे नहीं पता कि कितनी देर लगने वाली मुझे इस वीडियो को एडिट करने में कंप्लीट, आज की पूरी इस दिनचर्या को दिखाने में मुझे नहीं पता कितना टाइम लगने वाला है मुझे उस वीडियो को बनाने में। खैर जब भी बनेगी, लेकिन आज के आज मैं इसे अपलोड कर दूंगा और आप लोग देखकर बताना जरूर कि कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है, बाय बाय। और एक बार फिर से हमारी तरफ से आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत, बहुत, बहुत शुभकामनाएं। आप लोग मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार वालों के साथ खुशियां बांटें और खुशी में ही रहें हमेशा। हम मिलते हैं फिर अगली ब्लॉग में। अपना प्यार बनाए रखें और लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में सजेशन दे दें। और इस ब्लॉग के पिछले पार्ट्स अगर पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। बाय बाय बाय।